cineinc.com. नमस्कार आदाब, मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राकेश माथुर, जो लंदन में रहने वाले एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये मुझे लंदन के एक बहुत ही अहम राज के बारे में बताने वाले हैं। तो इस राज को मैं पीछे पीछे फॉलो करूंगा, इनके पीछे पीछे, मतलब ये कि ना मैं विजन में रहूँगा और शायद ये पहली और आखिरी बार है कि आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। उसके बाद में शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी और बाकी जो तफसीलात हैं वो राकेश माथुर देंगे। ये चार्टर हाउस जो है लंदन की हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम हैसियत रखता है और भारत के हवाले से भी इसके बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आपको सुन के शायद मज़ा आएगा। चार्टर हाउस है, ये इसका अपना पुराना इतिहास है। हालांकि ये लंदन के केंद्र में है और बीच में होने के बावजूद जो है इसका रहस्य लोग जानते नहीं हैं। तो ये जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, मंक्स थे, कैथोलिक मंक्स थे, शार्टर्यूज फ्रांस के थे वो, और उन्होंने जो है यहाँ पर ये मोनेस्ट्री बनाई थी प्रेयर करने के लिए, जो कि यहाँ पर प्लेग से पीड़ित लोग थे जिनको दफनाया गया था, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो उसके बाद जो है जब हेनरी VIII आए तो वो कैथोलिक्स को ख़त्म करके रिफॉर्मेशन करना चाहते थे, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चलाना चाहते थे। तो यहाँ के मोनेस्ट्री के जो जितने भी थे मंक्स थे उनको बाध्य किया गया कि वो प्रोटेस्टेंट बने। कुछ लोगों ने मना कर दिया तो उनको फिर मारा गया, यहाँ भी कत्लेआम हुआ था। तो उसके बाद जो है हेनरी VIII ने राज किया, फिर क्वीन एलिजाबेथ थी, मलिका एलिजाबेथ I, वो अपने कोरोनेशन से पहले यहाँ पर रहती थी। उसके बाद वो महारानी बनी, फिर वो कैथोलिक्स मैरी ऑफ स्कॉट, यहाँ षड्यंत्र चले उनके। उसके बाद जो है ये ड्यूक ऑफ नॉरफ़क ने लिया, ड्यूक ऑफ नॉरफ़क को जो है उनको टावर ऑफ लंदन में ले जाया गया था क्योंकि वो भी बगावत कर रहे थे। इसके बाद जो है ये ड्यूक ऑफ सफ़क ने हथिया लिया, और उसके बाद जो है सटन जो थे, जो कि महाराजाओं से कोई नाता नहीं था लेकिन रईस थे, इंग्लैंड के सबसे रईस व्यक्ति थे वो, उन्होंने ये खरीद लिया था। और सटन जो थे वो अपने मरने के बाद जो है ना ये भलार्थ के लिए जो है छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने इसे एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसमें कि लोग रह सके। जब यहाँ पर चार्टर हाउस स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, तो वहाँ पर छात्र जो थे सब भेजे जाते थे बोर्डिंग स्कूल में। तो ठैकरे जो है सबसे मशहूर नाम है, उनके माता पिता भारत में काम करते थे, तो उन्होंने अपने छोटे बच्चे को यहाँ पर भेजा। ये जो है स्मिथ फील्ड मार्केट है, बगल में है, जहाँ पर कि जानवरों को काटा जाता था बेचने के लिए, खाने के लिए, जैसे गाय हुआ, सुअर हुआ, खैर बहरहाल। तो उन्होंने कल्पना की स्मिथ फील्ड मार्केट से चार्टर हाउस की, स्कूल की। उन्होंने कहा कि चार्टर हाउस इज़ ए स्लॉटर हाउस। खैर ठैकरे साहब जो है बहुत बढ़िया उपन्यासकार बन गए, ओपन उस हमारे यहाँ म्यूज़ियम भी है चार्टर हाउस में ठैकरे का, वो अपनी सारी जो है सामग्री वहीं छोड़ गए, मैन्यूस्क्रिप्ट किताबें यहाँ पर म्यूज़ियम बनाया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है चार्टर हाउस में रहने का, कौन लोग रहते हैं यहाँ पे? ऐसे लोग रहते हैं चार्टर हाउस में जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, अपने लिए नहीं, खुदगर्जी के लिए नहीं, करना उन्होंने कभी मॉर्गेज लिया है। तो हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो कलाकार हैं, पत्रकार हैं, एक संडे टाइम्स के क्रिटिक हैं, डांस क्रिटिक, वो हमारे साथ रहते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर जैसे कि लोगो है डियो दांते दे दी, डियो दांते दे दी, भगवान ने हमें इतना दिया इसलिए हम देते हैं, तो यहाँ पर इसका मोटो है। तो यहाँ पर काफ़ी उदारता है। हमारी एक कम्युनिटी है ये, जो कि फ्रांसीसी में कम्यून बोलते हैं, और कम्युनिस्ट शब्द जो है वहीं से आया, लेकिन हम कम्युनिस्ट नहीं हैं। यहाँ पर काफ़ी तरह तरह के लोग हैं, तेज़ लोग हैं, और कोशिश करते हैं कि राजनीति पर बातचीत नहीं करें। खाने की मेज़ पर हम राजनीति और धर्म की बातें नहीं करते हैं यहाँ पर। तो भाईचारा है, और इसलिए हम लोगों को ब्रदर बोला जाता है, वो भाईचारे की वजह से। आइए परवेज साहब, आपको हम एक नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी यह है चार्टर हाउस का गेट। खाने का कमरा है, बड़ा कमरा जो ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर झाड़ फानूस तो आप देख ही रहे हैं, और जो नीचे मेज़ें हैं यहाँ पर उनके लिए औपचारिक रूप से हमारे लिए जगह बनी हुई है। तो हम नियमित रूप से यहाँ पर खाना खाते हैं, दिन में भी, रात को भी, और सुबह सुबह नाश्ता। और अभी तो इस समय तो कुछ सैलानी लोग आए हैं, पर्यटक लोग, जो कि यहाँ की दर्शन करने के लिए आए हैं। 1 बजे एकदम हमको यहाँ पर आना पड़ता है, और यहाँ के जो प्रमुख हैं वो एक महिला हैं एन, वो जो है प्रेयर करती हैं, और अगर वो उपस्थित है तो, अगर उपस्थित नहीं है, व्यस्त कहीं और, तो प्रीचर है वो करते हैं, या कोई सीनियर ब्रदर है वो करते हैं, वो प्रेयर करते हैं। उसके बाद फिर जो है घंटी बजती है, फिर उसके बाद हम बैठते हैं, और उसके बाद जो है खाना शुरू होता है। पहला कोर्स जो है ज़्यादातर कुछ शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। उसके बाद जो है जब पहला कोर्स ख़त्म होता है 1:30 बजे के आसपास, तो फिर घंटी बजती है, तो फिर उसके बाद प्लेटें सब हटाते हैं, और फिर जो है दूसरा कोर्स शुरू होता है, डिज़र्ट और मिष्ठान के बाद जो है फिर हम कॉफ़ी अनौपचारिक रूप से बाहर जाते हैं पीने के लिए। और खाना जो औपचारिक सेशन होता है उसके लिए भी घंटी बजती है, और उसका हमें धन्यवाद करते हैं हम लोग खाने के लिए। चित्र देख रहे हैं, ये सटन का है, जो सटन मामूली आदमी थे, लेकिन उन्होंने ट्यूडर ज़माने में काफ़ी पैसे इकट्ठा किया, और उन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया, उनकी ज़मीनें थी, और इतना पैसा आया तो उन्होंने ये महाराजाओं से, यहाँ के जो महाराज थे हेनरी 8 और उसके बाद ड्यूक ऑफ नॉरफॉक ने, उनसे ही खरीद लिया था। लेकिन 100 साल पहले जो है ना मास्टर जो है उन्होंने पूरा ही हथिया लिया था, और जो मेहमान हैं उनको पीछे जगह दे दी थी। तो चार्ल्स डिकन्स यहाँ पर आए, तो उन्होंने लिखा कि चार्ल्स डिकन्स जो मशहूर ऑथर, हाँ, जो लेखक हैं, वो यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि किस तरह से बदतमीजी है, उनको जो हमारे मेहमान हैं उनको पीछे खदेड़ा दो, मास्टर यहाँ पर रहते हैं महलों की तरह से। तो उसके बाद जो संसद में, हाउस ऑफ कॉमर्स में बड़े वाद विवाद हुए इसको लेकर के, चार्टर हाउस को लेकर के। तो फिर मास्टर के लिए अलग जो है घर बनाया गया गेट हाउस पर। यह है चार्टर हाउस का म्यूजियम का हिस्सा। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, निःशुल्क है ये, सिर्फ सोमवार को बंद रहता है। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी 14वीं शताब्दी से लेकर के आज तक की। तो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और धार्मिक रेलिक्स हैं यहाँ पर, तो और काफ़ी प्रतीक सिंबॉलिक चीज़ें हैं। Thank you.
खड़े हैं वहाँ पर 1349 में प्लेग हुई थी बहुत बड़ी, उसमें 50,000 लोगों को यहाँ पर दफनाया गया था। 50,000 लोग? हाँ, 50,000 लोग। तो उनमें से एक कंकाल जो अभी हाल ही में मिला था यहाँ पर, जबकि क्रॉस रेल की खुदाई हो रही थी स्क्वायर में, तो उस कंकाल को यहाँ दिखाया गया है। तो उसे प्लेग की वजह से ब्लैक डेथ हुई थी बहुत बड़ी। तो ये कमरे जो है इसको अंधेरे में रखा गया है, केवल मोमबत्तियों का यहाँ। अच्छा, पर ये बात सही है। ये भी कहा जाता है कि जो प्लेग के कीटाणु हैं वो सेंचुरीज तक रहते हैं। ये हमने किसी वैज्ञानिक से तो नहीं सुना है, कोई टूरिस्ट है वो बता रहा था, तो उसको तो मतलब ये कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ जम्स भी हो सकते हैं। हाँ, ये ऐसा सुनने में आया, तो जिन्होंने कहा था वो दौड़ गए यहाँ से। लेकिन मेरे ख्याल से तो इस वक्त जो मरने वाले हैं उनकी आत्मा को शांति हो। हाँ, ये हम लोग सोच सकते हैं, इसलिए मोमबत्ती हमने रखी है। शुरू से जो है बहुत ही राजा महाराजाओं ने इसको खरीदा था। सबसे पहले हेनरी VIII थे जो कि 1537 में उन्होंने इसको हथियाया था। उसके बाद सर एडवर्ड नॉर्थ थे, फिर जॉन डडली थे 1553 में, फिर एडवर्ड नॉर्थ में 1553 से 1564 तक, फिर थॉमस हॉवर्ड ड्यूक ऑफ नॉर्फक ने खरीद लिया था। और उसके बाद जो है क्वीन एलिजाबेथ में देख रहा हूँ। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो 1589 जो पहली थी, उसके बाद ड्यूक ये वही है जिन पर शेखर कपूर की फिल्म है। हाँ, वही एलिजाबेथ, उनकी तस्वीर भी है यहाँ पर। ये तो है मेरी स्क्वेट चैलेंज, क्वीन एलिजाबेथ को चैलेंज किया था उन्होंने। थॉमस सटन जिन्होंने ये इमारत खरीदी थी ड्यूक ऑफ सफक से, और वो काफ़ी रईस आदमी थे लेकिन प्राइवेट थे, नोबिलिटी नहीं थी उनकी। तो ये उनकी जो है कब्र से कास्ट है, फेथ होप एंड चैरिटी। हाँ, ये तीन उसके प्रतीक हैं, फेथ, ये विश्वास, आशा और चैरिटी। जो होप है, जो कि आशा है, उसमें बच्चा दिखाया है कि बच्चा जो है भविष्य के लिए है, उसको जो है नर्चर किया जा रहा है दूध से, माँ के अपने दूध से। तो ये मूर्ति प्रतीकात्मक है। हाँ, ये घड़ियाल है जो कि 300 साल पुराना है और ये सुस्ती से चलता है, तो बार बार जो हमको सही वक्त जो है लगाना पड़ता है। और फिर आप देख रहे हैं पेंडुलम किस तरह से चल रहा है, तो कभी रुक जाए तो उसको खिलाना पड़ता है पेंडुलम को। खैर, यहाँ पर हर चीज़ पुरानी है तो उसकी अपनी मूल्य है। बागबानी यहाँ पर बहुत बढ़िया होती है, बहुत सीक्रेट गार्डन्स ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। बल्कि एक पुस्तक शाया हो रही है यहाँ पर, और वो पुस्तक यहाँ के गार्डन के बारे में, गार्डन ऑफ चार्टर हाउस। तो उसको जो है लंदन बुक फेयर से पहले जो है ना उसको रिलीज़ किया जाएगा। ये जो सुख है वो 400 साल पुराना है। 400 साल पुराना ये पेड़? हाँ, तो कैम्ब्रिज में से लाया गया था, तो वहाँ पर थोड़ा जीवित है, दिखे वो। लेकिन गर्मियों में फिर जो है इसके पत्ते निकल आएंगे। यहाँ पर ओरिजिनल मोनेस्ट्री थी 14वीं सदी की। तो मोनेस्ट्री में मंक्स लोग रहते थे यहाँ पर, उनको खाना जो है उस दरवाजे से दिया जाता था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मन बम पड़े तो वो मोनेस्ट्री ख़त्म हो गई। तो उन्होंने निर्णय किया कि यहाँ पर मोनेस्ट्री नई बनाने के बजाय यहाँ पर एक बाग लगाया जाए। रहते थे पीछे, इसके दीवार के पीछे जो आप देख रहे हैं दाईं तरफ, और वहाँ पर लोगों को खाना जो है उनको उस छेद में से दिया जाता था। और जो खाना देता था और मंक्स, उनमें कोई जो कम्युनिकेशन नहीं होता था, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, तो एक छेद से खाना दिया जाता था और दूसरे से लिया जाता था। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो ये जो पत्थर हैं जो आप देख रहे हैं, ये मतलब आप ये कह रहे हैं ये, हाँ, ये एक खाने की जो है ना यहाँ पर तश्री दी जाती थी और वो मंक जो है दूसरे छेद से लिया करते थे।
चुनिंदा लोगों के लिए है जो कि चार्टर हाउस स्कूल में पढ़े थे और बाद में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। तो सर हेनरी हेवलॉक का भारत से नाता था और बुरी तरह से नाता था, क्योंकि जब 1857 में पहली लड़ाई हुई थी आज़ादी की तो उनको उन्होंने बड़ी ब्रूटैलिटी से उसको दबाया था, और उसके बाद जो है 40 साल की सर्विस करने के बाद जो है उसी ज़माने में 1857 के नवंबर में उनका इंतकाल हुआ था लखनऊ में। तो शायद उनको बद्दुआ लगी थी भारतीयों की, इतने बद्दुआएं ऐसी वैसे नहीं, हज़ारों लोगों की, इसलिए कि कहा जाता है कि दिल्ली में बहुत कम लोग जिंदा रह गए थे और ख़ास तौर पे अपने वक्त के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे, दानिश्वर थे, उन सबको मारा गया था चुन चुन के। सर हेनरी हेवलॉक का तो काफ़ी नाम है, लेकिन और भी कुछ लोग थे जैसे कि चार्ल्स चेस्टर थे, उनको जो है जब स्वाधीनता की पहली लड़ाई शुरू हुई थी तो उनको दिल्ली में मारा गया था, और उन्होंने गुजरात वगैरह में काम किया था उससे पहले पंजाब में ब्रिटिश एम्पायर को फैलाने का। और ये इसके अलावा विलियम हेवलॉक जो भाई थे इनके हेनरी हेवलॉक के, उन्होंने भी भारत में काम किया था और उनको भी वुंडेड हो गए थे उनको। लेकिन इसके अलावा बॉसवर्थ थे, पर्सी बॉस, वो भी लखनऊ में उनको मेडल मिला था और उन्होंने भी एक्टिव सर्विस में वो मारे गए थे नैनीताल में। इसके अलावा थॉमस बेलिफ थे जो कि इलाहाबाद में मारे गए थे जब वो जो है स्वाधीनता की पहली लड़ाई हुई थी। बड़ी दिलचस्प बात यह है जो कि आपको इस चैपल में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको जो है सटन ने अख्तियार कर लिया था, इस इमारत को, जो कि एरिस्टोक्रेसी और जो महाराजाओं से उन्होंने हथियार तो ले लिया था लेकिन उनका अपना सिंबल नहीं था, उनको दिया नहीं गया था। तो उन्होंने क्या किया, उनको बताने के लिए उन्होंने कुत्ते का जो है मूर्ति लगा दी, जो कुत्ता जो है उनका अपना सिंबल बन गया था। चार्टर हाउस की जो है स्टेन ग्लासेस हैं जो कि मास्टर ऑफ चार्टर हाउस की तरफ से उन्होंने दान दिया था। तो इसमें यीशु मसीह का जो है दिखाया गया है सूली पर चढ़ाना और लोग जो है दर्द को महसूस कर रहे हैं यीशु मसीह के। क्या मजा है, कैसे रहते हैं आप यहाँ पर? हम रहते हैं हर मैजिस्ट्रीज प्लेजर जैसे बोलते हैं, तो यहाँ की जो महारानी है वो सुप्रीम है, वो यहाँ पर आया करती है, महारानी एलिजाबेथ दो, एलिजाबेथ वन तो बहुत पहले रहती थी कई सैकड़ों साल पहले, तो महारानी भी आती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। काफ़ी चीज़ें औपचारिक हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, रहन सहन की औपचारिकता है, जो कि धीरे धीरे हम सीख जाते हैं किस तरह से रहन सहन होना चाहिए। अपार्टमेंट मिला हुआ है सब ब्रदर लोगों को, तो अपार्टमेंट में जो है जो बेसिक सुविधाएं हैं, लेकिन जगह बहुत बढ़िया है तो पूरी हम इमारत का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो निजी हमारे कक्ष हैं वो दो हैं, दो कमरे हैं हमारे अपार्टमेंट में, तो एक कमरे बैठक के तौर पे है, उसमें जो है किचन है साथ में, और एक है बेडरूम जिसमें कि गुसलखाना भी साथ में लगा हुआ है।